अब हम देखेंगे हंटिंगटन द्वारा मानव भूगोल में उनका क्या योगदान था। इन्होंने, आपने देखा, जो हंटिंगटन थे ये अमेरिकन ज्योग्राफर थे और ये निश्चयवादी थे, अर्थात इनका ये मानना था जो पर्यावरण या जो भौतिक दशाएं हैं वह सर्वोपरि होती हैं और वह मानव को पूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। इनकी एक पुस्तक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें इन्होंने यह बताया था कि मानव भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है। इसको इन्होंने दो भागों में अपने पुस्तक को बांट रखा है। पहले भाग में ये बताते हैं कि जो मानव है उसके ऊपर सबसे अधिक जो प्रभाव रहता है वो फिजिकल कंडीशंस का या भौतिक दशाओं का रहता है, अर्थात भौतिक दशाएं ही मानव प्रतिक्रिया को प्रभावित करती हैं, अर्थात जो फिजिकल कंडीशंस हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन रिस्पॉन्सेस। मानव जो है वो इनके द्वारा प्रभावित होता है, यही इन्होंने बताया था, क्योंकि ये एक निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थे और निश्चयवादी जो भूगोलवेत्ता हैं उनके लिए पर्यावरण अर्थात भौतिक दशाएं जो है वह सर्वोपरि है। अब हमें ये पता है इनके अनुसार जो फिजिकल कंडीशंस हैं या जो भौतिक दशाएं हैं वो कौन सी है। सबसे पहले आती है ग्लोबल लोकेशन या ग्लोबियल स्थिति, किसी भी जगह की ग्लोबलीय स्थिति होती है। दूसरा आपकी आती है भूमि की बनावट यानी कि रिलीफ। थर्ड आपकी आती है वाटर बॉडीज या जल राशियां, और फिर आपकी आती है मिट्टी या खनिज सॉइल्स एंड मिनरल्स, और लास्ट में आपका जो आता है वो आता है पर्यावरण। यह पांचों तथ्य मिलकर भौतिक कंडीशंस का निर्माण करते हैं। अब ये जो फिजिकल पांच कंडीशंस हैं इनसे जीवन की उत्पत्ति हुई। अब जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो वनस्पति के रूप में भी है, वो जीव के रूप में भी है, वह जंतुओं के रूप में भी है, अर्थात वनस्पति जंतु और मानव जो है वो इन प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित हो, इन प्रक्रियाओं के कारणवश उत्पन्न हुए हैं। अब जो मानव है वह अपने भौतिक परिवेश में एक सामंजस्य बिठाता है और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो इन पांचों कंडीशंस या पांचों भौतिक दशाओं पर ही आधारित है। मानव रिस्पॉन्सेज हैं जो मानव की प्रतिक्रियाएं, हमको सबसे पहले पता है मानव की बेसिक नीड्स होती हैं, उसको घर चाहिए, उसको भोजन चाहिए, उसको रहने को निवास स्थान चाहिए और उसको पहनने को कपड़ा चाहिए खान, तो इन सब चीजों की जो उसकी प्राइमरी नीड्स होती हैं वो इन कंडीशंस द्वारा प्रभावित होती हैं। और ये जो प्रक्रियाएं हैं इनसे मानव क्या है, इनको क्रियान्वित करने के लिए वो क्रियाएं करता है। वह आखेट कर सकता है, वह मछली पालन कर सकता है, वह कृषि कर सकता है, वह उद्योगों की स्थापना कर सकता है, वह संचार और ट्रांसपोर्टेशन या यातायात के साधनों का निर्माण करता है, वह खनन करता है। तो इन प्राकृतिक दशाओं के कारण जो मानव की बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो पहले एक्टिविटी करता है। अब जब वो इन क्रियाओं को उत्पन्न करकर क्रियाएं उत्पन्न होती हैं तो इन क्रियाओं को आगे तक बढ़ाने के लिए उसको किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, उसको आगे फर्दर और हायर प्रक्रियाएं चाहिए जिसमें उसका आपके उद्योग हैं, आपके बैंक्स हैं, आपकी एजुकेशन, आपके ट्रांसपोर्टेशन है, आपका धार्मिक चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसको, या अर्थात मंदिर मस्जिद गिरजाघर इन सब चीजों की भी उसको आवश्यकता पड़ेगी, उसको आमोद प्रमोद के साधनों के भी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो ये मानव प्रक्रियाएं हैं। अब जब इन सब प्रक्रियाओं के लिए, जब इन सब साधनों की उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो किन चीजों का निर्माण करता है, उसको हॉस्पिटल्स चाहिए, उसको पोस्ट ऑफिस चाहिए, उसको ट्रेड सेंटर्स चाहिए, उसको बैंक्स चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए। तो इस प्रकार से इन फिजिकल कंडीशंस के कारण मानव की प्रक्रियाएं निर्मित होती हैं, और जब ये सब मानव प्रक्रियाएं निर्मित होती हैं तो यहां से मानव की उन्नति के बारे में या सभ्यताओं के विकास के बारे में पता चलता है, अर्थात
हंटिंगटन के अनुसार जो मेन चीज है वो आपकी पांच फिजिकल कंडीशंस हैं, पांच भौतिक दशाएं हैं जिनके जिन पर मानव प्रतिक्रियाएं आधारित रहती हैं, और वही प्रतिक्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए मानव विभिन्न स्थितियों में डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस या एक ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलपमेंट करता है और मानव का विकास होता है।